अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम खैरियत से, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है हरे वाले मूंग। तो इसको हम सबसे पहले भिगोते हैं और फिर आधा घंटा भिगोने के बाद आपको बताते हैं हम कैसे इसको बनाना है। तो हम ये वाले साइज़ के ले रहे हैं, 1.5 का, 1.5 ये साइज़ का हमने कप लिया है। आप एक कप भी ले सकते हैं। इसको लेकर हम सबसे पहले हल्का सा उसको हम इसको भिगो रहे हैं एक घंटे, आधे घंटे के लिए। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, वॉश करके भिगो देते हैं। ये देखिए हमने इसको भिगो दिया और ये हमने 1.5 नहीं 2 कप्स ले लिए, ये वाले 2 ले लिए हमने। 1 कम लग रहा था हमें 1 कप, तो हमने 2 कप ले लिए। तो इसको लेकर हमने भिगो दिया। अब हम इसको बॉयल होने रख देंगे। आधा घंटा भीग गए हमारे ये हरे मूँग। अब हमने इसको चढ़ा दिया चूल्हे पर, कुछ भी नहीं डाला मसाला, सिर्फ ऐसे ही डाल के इसको चढ़ा दिया। ये देखें, अब इसको हम, ये जब गल जाएगा तो फिर आगे हम इसका मसाला बताते हैं कैसे करना है तैयार। देखिए नाज़रीन, हमारे ये जो हरे मूंग हैं बॉयल हो गए और ये गल गए, बिल्कुल गल गए। ये देखिए ये बिल्कुल गल गए। अब इसका हम बघार बना रहे हैं, उसमें डालेंगे हम बघार में सबसे पहले ऑयल डालेंगे। ऑयल के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन कटा हुआ, ये हमने एक बंच लिया है, इसमें से 2-3 बचा लिए तो पूरा एक बंच है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे साबुत मिर्च, उसके बाद डालेंगे इसमें एक चम्मच हल्दी, हम डाला फिर जीरा साबुत मिर्ची। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच लहसुन अदरक का पाउडर, आधा टमाटर काट कर, सबसे पहले हमने लहसुन डाला, फिर जीरा डाला, साबुत मिर्ची डाली, लहसुन अदरक पिसा हुआ डाला, हरी मिर्ची, टमाटर और अब ये नमक डाल रहे हैं। वन हाफ ये वाला चिकन, एक चम्मच सूख मिर्च, एक चम्मच कुटी हुई मिर्ची ये वाले साइज की, आधा चम्मच धनिया, एक चम्मच हल्दी, पिसा हुआ गरम मसाला एक चम्मच। सारे मसाले डालने के बाद थोड़ा सा धनिया जीरा कुटा हुआ भुना हुआ, चूल्हा बंद कर दिया था हमने, खोल दिया, शोर मच रहा था वो। देखिए मसाला बन रहा है, ये थोड़ी सी हमारे पास अनियन है फ्रेश हुई हुई फ्रेश, और ये जो है अपना रोस्ट हुई हुई है थोड़ी अनियन। आपके पास फ्रेश है तो वो पीस कर डाल दें, हमारे पास नहीं है तो हम ये इसलिए वाली अनियन डाल रहे हैं थोड़ी सी। एक चम्मच के करीब डाल दें, आपके तली हुई है वो डाल दें, फ्रेश है वो डाल दें, कच्ची है वो डाल दें, जो भी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, इसको मसाले को भूनेंगे, थोड़ा सा और पानी डाल दें ताकि टमाटर गल जाए, फिर हम मसाला भून कर आगे दिखाते हैं उसको। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, लहसुन अदरक, गरम मसाला पिसा हुआ, धनिया जीरा, साबुत मिर्ची लाल, जीरा सफ़ेद, लहसुन सब चीज़ चली गई, हरी मिर्च और टमाटर। उसको हम छोड़ देते हैं थोड़ा गंदी। देखें हमारा
हमारा मसाला भून गया तो अच्छे से हमने टमाटर इसमें गल गया। टमाटर को गलाना था, देखें टमाटर गल गए। अब हम इसमें डालेंगे दही, योगर्ट, ये हमारी अम्मी बनाती हैं हरे मूंग, और ये गोश्त में भी बनते हैं, तेल में भी बनते हैं, लेकिन हम सादे बना रहे हैं, सादे भी बनते हैं। देखिए इसमें हमने डाल दी दही, दही को हल्का सा हम भुनेंगे, और भूनते भूनते इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे वाटर, फिर दही का प्याला इसी में खिला कर डालते हैं। ये देखिए हमने इसमें दही डाल दिया, और इसको हम थोड़ा हल्का सा भूनना है, पक्की आ जाए। इसमें हमने बॉईल कर कर ये हमने इसमें डाल दिए, ये देखिए इसमें हमने डाल दिया। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे ज़्यादा, ये देखिए। अब इसमें हम डालेंगे अदरक, डालेंगे थोड़ी कटी हुई, थोड़ी हरी मिर्ची डालेंगे, काट कर डालते हैं, लेकिन हम साबुत इसलिए डाल रहे हैं, हमारे यहाँ कम खाई जाती है हरी मिर्ची, तो इसलिए आप काट कर डाल सकते हैं। अब इसको डालेंगे हम पुदीना, जो मेन है, हमारे पास फ्रेश नहीं है तो हम सूखा पुदीना डालेंगे। ये हमारे जो है इसमें हम डाल रहे हैं पुदीना 2 चम्मच, हमारे पास फ्रेश नहीं है तो हम ये सूखा हुआ पुदीना डाल रहे हैं। इसके अंदर पुदीने की बहुत अच्छी खुशबू आती है, हरा धनिया नहीं जाएगा इसमें। हमने अदरक डाल दी, पुदीना डाल दिया, दही, और इसको 5 मिनट दम पे लगा कर बस ये रेडी हो गया। ये हमारे चूल्हा हम बंद कर देते हैं, बस ये रेडी हो गया हमारे हरे मूंग। देखिए नाज़रीन, हमारे ये हरे मूंग तैयार हो गए, हमने चूल्हा बंद कर दिया, ये बिल्कुल रेडी है। ये हमारे हरे मूंग रेडी हैं बिल्कुल, ये थोड़ा ऐसे होते हैं गाढ़े गाढ़े से, और पूरे साबुत हैं, गले हुए हैं, लेकिन साबुत साबुत हमने रखे हैं, तो ये बड़े मज़ेदार से बनते हैं। तो ये हरे मूंग बनाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखिएगा, और लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। हरे मूंग।